आभास सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोनी में 50 बेड के संयुक्त जिला चिकित्सालय का लोकार्पण किया है। अस्पताल का लोकार्पण करते हुए 3 सिटी स्कैन सेंटर्स का भी शुभारंभ किया गया है। इनमें से एक जिला एमएमजी अस्पताल का सिटी स्कैन सेंटर भी शामिल है। लोकार्पण समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर 2000 के नोटबंदी पर केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। गाजियाबाद जनपद में लोनी कस्बे में 1173 लाख रुपए की लागत से एक 50 बेड के हॉस्पिटल का लोकार्पण हुआ है। मैं इस अवसर पर लोनी की आम जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाइयां देता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार लगातार पूरे प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए संकल्प है और इसके लिए मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करूंगा हमारे माननीय सांसद जनरल वीके सिंह साहब का, माननीय विधायक हमारे नंदकिशोर गुर्जर साहब का। दोनों लोगों ने बहुत मेहनत लखनऊ जाकर के की है। इसके ऊपर काम शुरू हुआ, बातचीत हुई और 2018 के अंदर इसका शासनादेश आया। आज ये पूरी तरह से तैयार है, लोगों को सेवा दे रहा है। कुछ स्टाफ की और इक्विपमेंट और आना चाहिए जिसको हम सोचते हैं कि जिससे और अच्छाई मिलेगी, तब जाकर इसको और अच्छा करने के लिए कुछ सुझाव हमने दिए। मुझे आशा है कि उस सुझाव के ऊपर पूरा का पूरी कार्रवाई होगी ताकि अच्छा हॉस्पिटल इस पूरे इलाके के अंदर सेवा कर सके। जिला संयुक्त चिकित्सालय में सिटी स्कैन मशीन का शुभारंभ कर संबल की जनता को योगी सरकार ने तोहफा दिया है। जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन लगाई गई है जिसका उद्घाटन ऑनलाइन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया और शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने फीता काटा है। जिला संयुक्त चिकित्सालय संबल में हर दिन ऐसे मरीज आते हैं जिनके सर में अंदरूनी चोट होती है और जिला अस्पताल में ऐसे मरीजों की जाँच की सुविधा नहीं थी। पिछले साल ऐसे मरीजों की जाँच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सिटी स्कैन मशीन का प्रस्ताव रखा था। यहाँ से हमने उद्घाटन किया है, सिटी स्कैन का यहाँ पे प्रारंभ हुआ है जिसमें जनपद में हमारे सभी मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी और यह है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए जो हमारे डिप्टी सीएम हैं उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, जनता की ओर से उनको बधाई देना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ की। मेरा ये संदेश है कि संबल के लिए एक बहुत बड़ा एक एंक्लेव यहाँ पर खुला है और आम गरीबों के लिए सुविधा यहाँ पर मिलने जा रही है। एक सीटी स्कैन के लिए अगर कोई डॉक्टर लिख दिया करता था तो मरीज के लिए मुरादाबाद जाना पड़ता था, मुरादाबाद में 5,000 से 8,000 रुपये तक का खर्चा उसको उठाना पड़ता था, तब जाकर एक सीटी स्कैन की कॉपी उसके हाथ में आती, तब पता चलता था कि उसको माइंड का अगर सीटी स्कैन लिख दिया या चेस्ट का लिख दिया तो उसकी जो डिफॉर्मिटीज हैं उनको वर्कआउट होती थी। आज उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक बहुत सराहनीय कार्य करके संबल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को वेल इक्विप किया गया है और इसके लिए योगी सरकार बधाई की पात्र है। जिला अस्पताल संबल में आज सीटी स्कैन की सुविधा, निशुल्क सुविधा प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है जिसका उद्घाटन माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी द्वारा और यहाँ पर भी माननीय मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी द्वारा उपस्थित होकर किया गया। पूरे अस्पताल में पिछले एक वर्ष में यहाँ के जो सीएमओ हैं, सीएमएस हैं और अन्य पूरी जो टीम है उनके सकारात्मक प्रयासों से बहुत सारी सुविधाएं बढ़ी हैं जिससे लगभग 2 से 3 गुना यहाँ की ओपीडी बढ़ी है। यहाँ पर अब सिजेरियन हो रहे हैं, माओं को और बच्चों को, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो धात्री महिलाएं हैं उनको बहुत ही अच्छी प्राइवेट अस्पतालों जैसी सुविधाएं यहां पर अस्पतालों में देने की कोशिश की जा रही है।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुलंदशहर दौरे पर हैं, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया। साथ विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के पीछे भारत विरोधी ताकतें भी हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी कार्यालय पर कोर कमेटी सदस्यों के साथ बैठक की। इसके बाद बैठक हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव में जीत के लिए धरातल पर काम करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज का जिक्र करते हुए कहा कि बुलंदशहर के लोगों को अब स्वास्थ्य की सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। खबर हरदोई से है, जहां लोनार थाना क्षेत्र में बरवन में मिले शव का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें प्रेम प्रसंग के चलते गोली मारकर आत्महत्या की वारदात सामने आई है। एसपी और एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया था, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना का खुलासा किया है। वहीं एसपी राजेश त्रिवेदी ने बताया कि बीते 11 मई को लोनार थाना क्षेत्र के बरवन में एक शव मिला था, जिसके सीने पर गोली के आर पार होने का निशान था। पुलिस ने मृतक के बहनोई की तहरीर पर अज्ञात पर हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच की कार्रवाई शुरू कर दी थी। वही पुलिस ने जांच में पाया कि नारायण सिंह ने प्रेम प्रसंग के चलते निराशा में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसके खुलासे के लिए कई टीमें लगाई गई थी और मुखबिर मामूर किए गए थे। इसके संबंध में आज ये ज्ञात हुआ है कि मृतक का प्रेम संबंध था किसी युवती से, और उसी में कुछ परेशान था और इसी परेशानी के चलते, निराशा के चलते उसके द्वारा स्वयं को गोली मार के आत्महत्या कर ली गई। आत्महत्या करने के पश्चात उसके नौकर द्वारा उसको देखा गया था, डेड बॉडी को तमंचे के साथ, लेकिन नौकर जो है वो भय के मारे भाग गया था। अभी पूछताछ में खुलासा उसने किया कि जब नेक्स्ट डे भीड़ जुटी तो उसने पाया कि तमंचा गायब है और मृतक की शर्ट और बनियान और जूते उतरे हुए हैं। उसमें खोजबीन की गई पुलिस द्वारा तो पास में ही बालू में दबा हुआ घटना में प्रयुक्त तमंचा फूका कारतूस मिल गया है। अब किसने उसको घटनास्थल से हटाया और कपड़े किसने उतारे, इसके बारे में विवेचना जारी है। शुक्रवार को देर शाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें रिजर्व बैंक द्वारा 2000 के नोट को चलन से बाहर करने का फरमान सुनाया गया। हालांकि सभी बैंकों में नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय आरबीआई द्वारा दिया गया है, जहां इस फैसले को लेकर लोगों ने अपनी मिली जुली प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कुछ लोगों ने इसे अच्छा कदम बताया तो वही कुछ लोगों ने इस फैसले को गलत ठहराया है। मार्केट में तो रौनक आ जाएगी, जीएसटी 2 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंचेगी, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो मार्केट में चलाएगा, मार्केट में चलाएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, फिर इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी बीजेपी की ओर के चाहिए। अच्छा, तो फैसले किस तरीके देखते हैं? अरे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव फैसला देश के लिए, वो पॉजिटिव है। नहीं, काफी लोगों का ये कहना है कि इतना सारा खर्चा आया 2000 का नोट बनाने में, खर्चा तो बंद करा रहे हैं। अब रोजाना तुम खाते हो, सुबह वेस्ट हो जाता है, वो भी तो खर्चा ही होता है। अब होगा, देश चल रहा है, सही चल रही है। इसको दोनों तरह से देखता हूँ, एक तो जो 2000 की जो जमा कर करके ब्लॉक कर रखा है पैसा, वो दो नंबर में, एक तो वो फैसला सही है, और एक ये है कि इसके ऊपर कितना खर्चा आया था, कितना मतलब इंक लगी, कितने कागज लगे, कितनी लेबर लगी, वो भी तो नुकसान है देश का। तो फिर ये फिर आगे आने वाले टाइम में फिर कोई नोट आएगा, फिर उसके ऊपर फिर ऐसे होगा, ऐसे तो बार बार थोड़ी होता है। देखो, आरबीआई के फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। मैं कहता हूँ जिस भी चीज से हमारी अर्थव्यवस्था ठीक होती है उस फैसले को गवर्नमेंट को लेना चाहिए। लोगों का कहना है कि लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए पहले नोट बनाने में, अब उन्हें बंद कर रहे हैं, तो इसका नुकसान आम जनता पड़ेगा। कोई भी फैसला अगर लिया जाता है तो अगर वो फैसला सही और गलत दो ही तो तरीके से लिया जाता है, अगर वो गलत फैसला है तो उसे लंबे समय तक नहीं खींचना चाहिए। अगर गवर्नमेंट की समझ में आ गया कि इससे मध्यम वर्ग को ज्यादा फायदा है तो ये गवर्नमेंट ने फैसला बिल्कुल सही लिया। आपका ये कहना है? बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, जो फैसला लिया है ठीक भी है और गलत भी है। गलत यूं है, करोड़ों रुपए पहले इस पे खर्च हुए, आज फिर बंद करे जा रहे हैं, उसका कारण तो सरकार ने सहूलियत के लिए 2000 के नोट चलाए थे। सहूलियत के लिए जब हजार का नोट बंद करा था, 2000 का जगह उसी हिसाब से सोच के करना चाहिए था, लेकिन अब जाके आदमी 500 से ऊपर का नोट होना नहीं चाहिए।
कोई छपाई नहीं होनी चाहिए, जिससे जाके आम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसा है, इससे कोई आम लोगों को समस्या नहीं है। ये सरकार का बहुत ही उचित फैसला है, क्योंकि 2000 के नोट लोगों के पास, कुछ गिने चुने लोगों के पास होते थे, मार्केट में लेकर भी आते थे तो खुले कई बार दुकान पर नहीं मिलते थे, तो कस्टमर बहुत परेशान हो जाता था। इससे उन्होंने ये जो नोटबंदी 2000 की है, ये बहुत ही अच्छा फैसला। इससे कोई 1000 का या 500 की कुछ गणना बढ़ा देंगे तो उससे जनता को फायदा होगा। नुकसान ही है आदमी को। कैसे नुकसान है, क्या दिक्कत? प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम हो जाएगा, टाइम लगेगा, बैंक जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, छुट्टी करना पड़ेगा, नुकसान तो है आदमी का। पहले सरकार ने 2000 के नोट किए थे चालू, उसके बाद अब बंद कर दिए, तो परेशानियाँ कहीं ना कहीं तो ज़्यादा बढ़ गया है, परेशानी बढ़ेगी अब आप लोगों की। हरदोई के सांडी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 18.41 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। बता दें कि आरोपी गिरोह बनाकर अवैध तरीके से संपत्ति को अर्जित करता था और सांडी पुलिस और बरेली पुलिस ने डीएम के आदेश पर 15 अचल और चल संपत्तियों को कुर्क भी किया है। ये थाना बिलग्राम में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था एक गैंग के खिलाफ, जो कि एनडीपीएस के कारोबार करता था। इसके एक अभियुक्त जो कि बरेली में रहता है, उसकी संपत्तियों के जब्त करने का आदेश डीएम महोदय द्वारा विगत माह दिया गया था। 15 संपत्तियां थी, जिसमें कई खेत, मकान, डेयरी, बाग और एसयूवी थे। इनको आज बरेली में ये हरदोई पुलिस और वहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा कुर्क किया गया है। इसकी बाजारू कीमत लगभग 18.5 करोड़ रुपये है। औरैया नगर निकाय चुनाव के बाद सदर तहसील में डीएम और एसपी ने संपूर्ण समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं। वहीं जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय निर्वाचन के बाद पहला तहसील दिवस था, जिसमें औरैया जनपद के तीनों तहसीलों में तहसील दिवस का आयोजन किया गया है। वहीं औरैया सदर में जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक चारू निगम द्वारा प्रार्थना पत्रों के साथ ही 9 फरियादियों का तत्काल प्रभाव से समस्याओं का निस्तारण भी करवाए हैं। हाँ, स्थानीय निकाय निर्वाचन के बाद आज पहला प्रथम तहसील दिवस था, जो तीनों ही हमारे तहसीलों में मनाया गया। एक जगह हम और एसपी ने अध्यक्षता किया, बाकी में एक जगह सीडीओ और एक जगह एडीएम गए। जहाँ हम थे तहसील सदर में, वहाँ पे कुल 85 प्रार्थना पत्र आए, जिसमें 9 का मौके पे निस्तारण कर दिया गया, शेष एक हफ्ते में निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया गया। साथ ही सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई और निर्देशित किया गया है कि वो इसका क्वालिटेटिव निस्तारण करेंगे, केवल संख्यात्मक निस्तारण नहीं बल्कि उसके गुणात्मक पहलू को देखेंगे, साथ ही उसके निस्तारण से उस आवेदक को अवगत भी कराएंगे। तो वही दिल्ली एनसीआर और गाजियाबाद में पिछले 2 महीने से एक शातिर गैंग लूट की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा था। बताया जा रहा है कि 3 शातिर लुटेरों की तलाश में कौशाम्बी पुलिस की कई टीमें भी लगी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए तीनों लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वही पुलिस को लुटेरों के पास से चोरी किए गए बैटरी में बोरियों में बंद बैटरी, रिक्शा के पार्ट और रिक्शा खपाने के प्रयोग में इस्तेमाल औजारों को भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, आज दिनांक 20 मई को थाना कौशाम्बी में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान वैशाली में पुलिया के निकट 3 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जो कि संदिग्ध थे। उनको हल्का चेस करके जब रुकने का इशारा किया गया तो भागने लगे, उनको चेस करके पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जो पूछताछ हुई तो उन्होंने पूछताछ में यह खुलासा किया कि ये लोग बेसिकली बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा चुराते थे और इन लोगों ने काफी बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा चुराया हुआ है, जिसमें इनके पास से हमें लगभग 8 चुराए हुए निशानदेही पर इनके 8 चुराए हुए बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा बरामद किया गया है। इसके साथ साथ इनके पास से एक स्कूटी बरामद की गई है, जो कि चोरी की है।
साथ में एक स्कूटी और बरामद हुई है इनके पास से, जिसका यह उपयोग जो है अपराध में करते थे। हरदोई के पिहानी इलाके में एक युवती का शव उसी के घर में चारपाई पर पड़ा मिला है। भाई ने बहन के प्रेमी पर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं युवती की मौत की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। साथ ही ग्रामीणों से उस बारे में पूछताछ शुरू कर दी गई है। वहीं SP पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि पिहानी थाना क्षेत्र के सरावर गांव में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, जिसके शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और युवती का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस पर हत्या का आरोप है। पिहानी थाना क्षेत्र में एक सरावर गांव है, वहां पे एक युवती करीब 23 वर्ष की है, नाम उनका माधुरी देवी है। यह अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पे चारपाई पे घर वाले उतार के इनके शव को रखे थे, दुपट्टा भी वहीं था दो टुकड़ों में, और शव को पंचायतनामा करके PM के लिए भेजा गया है। बाद PM इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। संभल के जिला अस्पताल के कर्मचारी सुविधा शुल्क लेकर फर्जी सर्टिफिकेट बनाते थे। दरअसल ये पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि जिला अस्पताल परिसर में शिक्षा माध्यमिक राज्य मंत्री गुलाबो देवी सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन करने पहुंची थी। इसी बीच थाना हयात नगर लहरा कमगर में रहने वाला परिवार मंत्री गुलाबो देवी से मिला और उनके सामने अपनी फरियाद रखी। मंत्री को प्रार्थना पत्र देकर परिवार ने बताया कि गांव का युवक उनकी बेटी को भगा कर ले गया और जिला अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने फर्जी मेडिकल तैयार किया। बता दें कि लड़के के परिजनों ने मिलीभगत कर फर्जी मेडिकल बनवाते हुए लड़के की उम्र तक गलत दिखाई है। फिलहाल परिजन चाहते हैं कि उसका मेडिकल जांच हो और जो भी आरोपी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। उनको सूचना दे दी थी SDM साहब को भी उनको साथ साथ, लेकिन उनकी कोई मुरादाबाद में मंडल की मीटिंग थी इसलिए उन्होंने थोड़ा सा देरी से आने के लिए कहा। बाकी मौके पर SDM साहब ने सारी प्रक्रिया पूरी जांच और ये सारा कुछ प्रकरण जो हुआ है SD का लिंग जांच का भ्रूण का लिंग जांच का वो पूरी तरह से पुष्टित है और इन्होंने इनकी मौजूदगी में सारी कार्रवाई की जा रही है। देवी से एक परिजनों ने शिकायत की है। दरअसल परिजनों ने आरोप लगाया है कि जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने उनकी बेटी का फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हुए लड़की की उम्र को ज्यादा बता दिया है, जिस पर अब जो परिजन है जो पीड़ित है उन्होंने गुलाबो देवी से पत्र देते हुए ये मांग की है कि इस पूरे मामले पर एक ठोस और कठोर कार्रवाई की जाए। तो मंत्री गुलाबो देवी से परिजनों ने मुलाकात की है। आपको बताते चले कि जिला अस्पताल के कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिस सिलसिले में मंत्री गुलाबो देवी से परिजनों ने मिलते हुए जिला अस्पताल के कर्मचारियों की शिकायत की है। दरअसल पीड़ित परिवार वालों ने बताया है कि इस पूरे मामले पर जो अस्पताल के कर्मचारी हैं उन्होंने उनके घर की जो बेटी है जो युवती है उसकी उम्र को मेडिकल सर्टिफिकेट में गलत दिखा दिया है। खबर संभल से है, जहां बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छा स्थान पाने वाले 20 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी पहुंची, जहां उन्होंने बच्चों को शुभकामनाएं दी। श्री बालाजी इंटर कॉलेज मऊभूड़ में छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। आज का जो प्रोग्राम है ये जो हाईस्कूल और इंटर के एग्जाम हुए थे उसमें हमारे इस विद्यालय के जो बच्चे प्रथम द्वितीय तृतीय आए हैं उनका ये प्राइज वितरण था, इसी में ये मैं आई हूँ। और मेरी ओर से इन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरह से ये बच्चे हाई स्कूल इंटर में अच्छे मार्क्स ला करके आगे आए हैं, हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे जीवन में भी और अच्छा ज्ञान हासिल करके आगे बढ़ें। खुश हूँ और इसका क्रेडिट मैं अपने स्कूल के टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, उन्होंने इतनी हेल्प की जिस वजह से मेरे इतने अंक आए। आई एम वेरी हैप्पी।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस